प्रारंभिक पूछताछ में यानी कुछ नहीं बताया, आज तो पकड़े ही हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले ही राउंड अप किया इनको, तो पूछताछ सत्ताईस से करेंगे, उस टाइम पर सारी बात से सामने आ जाएंगी। इसमें अंदर आया था दीपक और बाहर था लोकेश और शुभम बाहर स्कूटी के पास था। वारदात के बाद ये अलग अलग जगह गए, ये सारी बातें तो अभी गिरफ्तार करने के बाद ही पूछेंगे। इनके पास क्या था वो तमंचा जो बताया, वो नजायज हथियार था, अवैध हथियार वो बरामद होगा। सबसे पहले दीपक वहाँ होटल के पास खड़ा था, ये कहीं जाने के फिराक में थे, उसको राउंड अप करके उससे पूछताछ की तो दो लड़के लोकेश और शुभम के बारे में भी इनने बताया कि दो मेरे दोस्त जो साथ थे वो आगे के इंटरप्राइज को पेट्रोल पंप है वहाँ खड़े हैं, तो वहाँ से भी उसकी पूछताछ बनी थी, इनको राउंड अप कर।